अमरूद खा रहा है? क्यों खा रहा है? भूख लग रही थी इसलिए खा रहा हूँ। अच्छा, भूख लग रही थी, फोन दे ला। दूसरा दे 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 दे, रोगा मत। तीसरा दे, अरे बाद में खा ले, तीसरा फोन दे। और भी लग रहा, और भी है फोन। आखिरी है। फोनों की दुकान खोल रखी, दिमाग ना खराब करिए यार। सुन, मालकिन को ना बता दिए तो ना फोन लिए, चलो जान संभाल दूंगा। क्या बात है, रो क्यों रहे हो? मुझे आपके याद आ रही है। इतनी सी बात है तो आप एक काम करो, जाओ भाभी से मिल के आ जाओ। ठीक है, मेरे मैं जा रहा हूँ आपके भाभी के पास। हाँ ठीक है, जाओ भाई, डांस लाना। पता नहीं इसको क्या हो गया है, मुझे लगता है नौकर ने कुछ न कुछ इसको बोला है। हेलो, कहाँ चल दिया? मैं अपने घर जा रहा हूँ, कहीं माफ कर देना। माफ माफ, बात की बात है, चुपचाप अंदर चला जा वरना रास्ते में ही पिट्टू। अश्विन, बाल किन को मत बता दियो। सही सुनी, माफ अभी बता दूंगा राजी तुझे। चले काम कर देगा, बाप कर गया। भैया क्या हुआ, गई नहीं मन ने किया जाने को? हाँ तो किसने बोला आपको जाने के लिए, मत जाओ। पर रो क्यों रहे हो बहन? मुझे इस घर से प्यार इतना मिल रहा है कि मुझे इसलिए रोना आ गया था। अरे मन तो लगेगा ही, आपकी सेवा जो इतनी हो रही है। सेवा किसकी, मैं जाऊंगा तो फिर मारेगा। के बच्चे, तूने मेरे भाई को कुछ कहा है क्या? ना जी, मैं तो अपने भाई को नहीं करता कभी कुछ, आपके भाई को क्या करूंगा? ऐसे पंठन की बैठा जैसे तेरे तू घोड़ी चढ़ने वाला है, जाके काम क्यों नहीं कर रहा? काम क्या करूँ जी, सारा काम कर दिया। साफ सफाई कर ले। काहे की साफ सफाई करूँ जी, किचन की साफ सफाई कर ले। ठीक है जी, कर लूंगा। आज तो अलग ही रूप में लग रहा है ये नौकर, मूंगफली खा रहा है, लड्डू खा रहा है, पता नहीं क्या क्या। सही बोल रहा भाई, नौकर को सर पे चढ़ा लिया मैंने ज्यादा। बहन, हाँ भाई, तुम भूख लग रही है तो कोई बात नहीं, अभी खाना मंगवा लेती हूँ। धर्मो, नहीं नहीं धर्मो को मत पूछो, बहुत अच्छे नौकर है वो। अभी तो कह रहे थे भूख लग रही है और अभी बोल रहे हो पेट भर गया, बात क्या है आखिर? सच सच बताओ मुझे। कैसे बताऊं, मैं सच बताऊंगा तो फिर मुझे मारेगा। अरे भाई क्या सोच रहे हो, बताओ तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है फिर मैं खाना मंगाती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं पेट भरूंगा, बाद में खाऊंगा। आखिर भाई साहब को हुआ क्या है, अभी तो बोल रहे थे भूख लगी है। धर्मो का नाम सुनते ही बोल रहे हैं भूख नहीं लगी है, कोई तो चक्कर है। मुझे लगता है धर्मो ने कुछ क्या कर रहा है? संतरे खा रहा है जी। संतरे खा रहा है? ये कपड़े कौन उतारा है तेरा बाप? मैं भी उतार देता हूँ। उतार दे, ना लिया ये नीचे ही। ठीक है, मालकिन को मत बता दियो, बता ले। इसने तो मेरे साथ गुंडागर्दी करने की हैसियत कर दी, पहले मेरे सारे मोबाइल छीन के ले गया, फिर मेरे संतरे भी हम छीन के ले गया। मुझे अपनी जान को बताना पड़ेगा, मेरी सारी चीजें छीनी जा रही है।
बहन जी मैंने आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो भाई। आपका जो नौकर है ना धर्मू। बस भाई आप मत बताओ उसके बारे में, मुझे पता है। पता है तो आप उसे डांटती क्यों नहीं? डांटती क्यों नहीं, तुम ही तो तारीफ करते हो उसकी। मैं तारीफ करने नहीं आया, उसकी असलियत बताने आया हूँ। असलियत? कैसी असलियत? वो हमें बहुत परेशान करता है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? वो बताने का मौका दे तभी बताऊं। आने दो उस नौकर के बच्चे को, आज उसकी ऐसी खबर लूंगी उसकी नानी याद नहीं दिला दी तो मेरा नाम भी संतोष चांगरा नहीं।